प्यारे बच्चों, आप सबको भी स्वागत है। हम तो पिछले क्लासों में हम तो स्वरों के बारे में अध्ययन किया था। स्वर, आप सभी भी स्वरों को सभी भी लिखते हैं। देखिए, स्वरों के बारे में अध्ययन किया था। स्वर में आने वाला अक्षरों को बोलिए, अ आ ई ई ऊ ऊ रु ए ऐ ओ औ अम अहा। इन अक्षरों के बारे में हम तो पिछली चार क्लासों में अध्ययन किया था। अब आगे व्यंजन, स्वरों के बाद आने वाला अक्षरों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೀಗಲೇ ಸ್ವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿವಿ. ಸ್ವರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿವಿ. ನಾವು ಹೋದ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅ ಆ ಇ ಉ ರು, ಎ ಮತ್ತು ಏಕ ಒಂದಾಕ್ಷರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಐ ಮತ್ತು ಓ ಮತ್ತು ಓ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದಾಕ್ಷರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಔ ಅಂ ಅಹ. ಒಟ್ಟು ಸ್ವರಗಳು ನಾವು 13 ಸ್ವರಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ 13 ಸ್ವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಂದು ನಾವು ಹೊಸದಾದಂಥ ಅಕ್ಷರ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಬಚ್ಚ ದೇಖಿಯ ಸ್ವರಂಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಹಂತು ಅಧ್ಯಯನ ಕಿಯಾತ. ಅಬ ವ್ಯಂಜನ್, ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಂಕು ಕಿಸ್ ತರಹ ಲಿಖನಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಅಧ್ಯಯನ ಕರೆಂಗೆ. ಖ ಆಪ್ಕೋ ಮಾಲೂಮ್ ನಹೀ ಹುವಾ ಹೈ ತೋ ಕನ್ನಡ ಮೇ ವಾ ಊಪರ್ ಲಿಖ ಲೋ ಖ लिखिए. आप सबको भी एक नहीं लिखने को नहीं आए तो आप तो कन्नड़ में ह अक्षर लिखते हैं ना, उस अक्षर को लिखिए. लिखकर इस तरह बीच में एक लाइन डालिए, बाद में यहाँ क्या करो, रब करो. एक क्या है, ख. और एक बार देखिए, आप तो ह ह लिखते हैं ना इस तरह. यह ह अक्षर को आप लिखते हैं ना, यह ह अक्षर को क्या करो, रब करो, ऊपर का रब करो. यही क्या है, ख. बोलते हुए लिखिए, ख 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 ख. इस तरह एक फुट तक आप क्या करो, उच्चारण करते हुए इस ख अक्षर को लिखो और कन्नड़ में ये अक्षर को याद रखो. यही इसका अक्षर है, ख. ख के बाद ख. हाँ, कन्नड़ में अक्षर इस तरह लिखते हैं, ख 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 ख. ये अक्षर को आप क्या करो, उच्चारण करते हुए क्या करो, लिखो बच्चों, ख ख ख ख ख. ये सभी अक्षरों को क्या करो, उच्चारण करते हुए ख और ख. क से कमल यानी लोटस, लोटस का कन्नड़ में अर्थ है कमला. उसी तरह ख खरगोश, रैबिट मोला. उसी तरह ग ग हाँ कन्नड़ में इस तरह आता है. आप सभी भी ग किस तरह लिखना है देखिए, यहाँ इतना लिखिए, लिखने के बाद एक लाइन डालिए, ऊपर एक लाइन,
ये कौन सा अक्षर होते हैं? ग। फिर एक बार एक छोटा सा लाइन, हाँ इतना लिखो बाद में। पहला इसे एक राउंड डालो, एक उसके से ज़्यादा एक लाइन डालो, ऊपर डालो, वो कौन सा अक्षर है? ग। आप उच्चारण करते हो क्या करो, लिखो बच्चों, ग ग घ 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 घ। उच्चारण करते हुए क्या करो बच्चों, लिखो घ घ घ घ घ घ घ से गधा यानी अंग्रेजी में डोंकी और कन्नड़ में कात्ये। ये उच्चारण करते हुए क्या करो बच्चों, आप सभी इस घ अक्षर को लिखो और पढ़ो। घ के बाद कौन सा व्यंजन आता है? घ। कौन सा है यहाँ? हाँ कन्नड़ में ये अक्षर आते हैं ना घ, हाँ उस अक्षर को लिखो। अब देखो आप तो तीन इस तरह लिखते हैं ना, उसी को क्या करो उल्टा उल्टा। आप तो कन्नड़ में यानी ऐनक में दे यानी ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ ಈ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ರೀತಿ ಕಾಂತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ, ಕೀರಾಕ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರ ಘ ಘ ಘ ಘ। ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರ್ತೇವೆ ಕ್ಯಾ ಕರೋ ಬಚ್ಚ लिखो घ शीशा में। आप तो देख लिया तो तीन इस तरह लिखे हुए, तीन आपको किस तरह दिखता है? इस तरह दिखते हैं ना, सॉरी क्षमा करो, इस तरह दिखते हैं ना, हाँ दिखे तो उस पर एक लाइन डालो, ऊपर एक लाइन डालो, वो कौन सा अक्षर है? घ 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 घ। इस तरह क्या करो उच्चारण करते हुए आप सभी भी लिखना होगा बच्चों। घ घ घ एक कौन सा अक्षर है? घ। घ से गड़ा पॉट कोड़ा। इले पॉट अंदर एर अर्थ आगत मकड़े कन्नड़ होगा, ना कोड़ा अंतीवि अथवा हू हंत वो पॉट अंतीवि पॉट अंत करती आ कारण अद लक्ष्य इरली। क क ग ग उसके बाद कौन सा व्यंजन आता है? य, हाँ य य य य। आप लिखने का तरीका देखिए, आपको यस लिखने का आते थे ना, इस तरह लिखने के बाद एक ऊपर थोड़ा सा एक लाइन डालो, इस तरह डालो, बाद में
इसके नीचे एक बिंदु डालो, कौन सा अक्षर है? ञ, ञ। हाँ बच्चों, ये सभी व्यंजनों को क्या करो, घर में लिखने को अभ्यास करो। देखिए फिर एक बार देखिए, हम तो पिछले क्लास में स्वरों के बारे में अध्ययन किया था। स्वर कौन कौन सा है? अ आ ई ई उ रु, ए आई ओ औ अम आहा। इसके बाद आने वाला स्वरों के बाद आने वाला अक्षरों का नाम क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से उच्चारण होने वाला अक्षरों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನಾವೇನ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತೀವಿ. ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರದೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು 5 ಅಕ್ಷರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದಾಗ ಖ ಖ ಘ ಘ ಯ. ಓಕೆ ಸರ್, ಲಿಖನಾ ಹೇ ಓ ಸಭಿ ಭಿ ಆಪ್ನೆ ದೇಖಾ ಹೇ, ಮೈನೆ ಭಿ ಯಹಾ ಲಿಖಾ ಹೇ, ಆಪ್ ಸಭಿ ಭಿ आपके किताबों में लिखो बच्चों। और उसी तरह क से कमल, लोटस कमला, ख से खरगोश रैबिट मोला, घ से गधा डोंकी कत्ते, घ से घड़ा पॉट कोड़ा, ञ यह अक्षर। आप क्या करो, घर में एक एक फुट इसको लिखो, आपके किताबों में वो किस तरह लिखना है, बिंदु दाल को आपको लिखने के लिए दिया है वो क्या करो, घर में अभ्यास करो। वहाँ किताब में दिए हुए प्लेस में आप सभी भी उस खाली जगहों को भरो बच्चों। अगले क्लास में अगले व्यंजनों को साथ में आपको मिलूँगा, तब तक धन्यवाद।